तो गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज मेरे पार्टनर कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये भाई दूज के गोले हैं और इन भाई दूज के गोलों के साथ करा जाएगा एक्सपेरिमेंट और आप इस ब्लॉग के साथ में जुड़े रहिएगा और ये बताएंगे समझाएंगे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ खाना आता है, बनाना तो मुझे इतना नहीं पर आता। आज मैं इनकी हेल्प लूंगी। मेरी हेल्प मुझे पता है, मेरे को मेहनत करवाएंगे इसको घिसवाने में। पूरा नहीं घिसवाना है, ज्यादा मेहनत नहीं है, इसको थोड़ा पीस कट कट कर करवा के और वही समझाएंगे क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। कोकोनट बर्फी बनाएंगे आज। कोकोनट बर्फी, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है, बताओ मेरे को। असिस्टेंट शामिल है। चाकू लीजिए, एक ये वाला लोहे वाला और एक ब्लू वाला। खतरनाक चाकू है, खानदानी चाकू है, खानदानी चाकू। तो फाइनली इनकी तैयारियां शुरू हो गई। देख रहे हैं जरा, हाथ तो दिखाओ नीचे, ये कर रहे हैं। तो भाई हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, भाई दूज के गोले बता दो कैसे करना है। ऐसे नहीं करना ना, तो बस नहीं है, बड़े बड़े नहीं है। आप देखो ऐसे, तो भाई यार इसमें तो धार ही नहीं है। देखो कैसा है, खानदानी चाकू काम आ रहा है मेरे को। भाई साहब डर सा लगता है, मेरे पे तो कट भी नहीं रहा, डर लग रहा है। इस गोले को काटने के लिए पूरे खानदान की मदद लेनी पड़ रही है। मम्मी तो एक मिनट में काट के फेंक देंगी इसको। लवजी से एक काम क्या बोल दिया, मैंने खुश काम दे दिया। तो भाई लोगों, गोला हमने भेज दिया है दूसरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं गोला काटना। अब मम्मी और पापा काटेंगे गोला बेहतरीन तरीके से। मम्मी ने काट दिए गोले, काटेगी ये देखे, खाएगी तो काटती नहीं, खाती है बस। ये देखो मिनट से पहले काट के फेंक दिए मम्मी ने भाई दूज के गोले। तो सारे नारियल मम्मी ने कट करके रख दिए, इन्होंने काटा ही नहीं। गोला काटने के लिए चाय बना बना के पिलाता हूँ, मैं चाय और मैगी खिलाता हूँ। चुपचाप से बोटी धोले गाइस, मैं दिखा रहा नहीं हूँ, बेहतरीन चीज धोने लग रही है। लोहे अब ग्राइंड करें, सुजाते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें अब घी डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने घी भी डाल ही दिया है, दो चम्मच है। ये सारा जो नारियल कस के करके रखा हुआ था, ये सारा इसमें डाल दूंगी। और अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है थोड़ी देर तक। ज्यादा लगे ना, ब्राउन डार्क ब्राउन ना होने देना, क्योंकि अगर चिपक जाएगा तो फिर डार्क कलर में हो जाएगा। साइड साइड में हल्का हल्का ब्राउन होने लग जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये थोड़ा सा अब ये हो गया है अच्छे से। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब हम इसमें इतना गुड़ ऐड कर देते हैं। इसको मिक्स करते रहना है और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, पर मैं बना रही हूँ। कोकोनट की मैंने वैसे नॉर्मली बना रखी है और भी, लेकिन ये वाली गुड़ वाली के साथ है ना, गुड़ के साथ अलग से बना रही हूँ। ये मैं शायद पहली बार ही बना रही हूँ। इस वैसे इसमें चीनी लोग ऐड भी करना चाहें ऐड कर सकते हैं, बट अगर गुड़ ऐड कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। एकदम अच्छी सी गुड़ है इसमें ऑलरेडी, अच्छा शुगर ही होता है, ज़्यादा नेचुरल है, आर्टिफिशियल भी नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है कि गुड़ ही यूज़ करें, शुगर मत यूज़ करें। तो देखिए इसको चलाते चलाते बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो चिपक जाएगा और जल जाएगा। जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, ठीक है, तब तक इसको चलाते रहना है। जैसे कि मींस ये लड्डू जैसे ना बनने लग जाए, आपके हाथ में पता चल जाएगा कि हाँ ये अब थोड़ी सॉफ्ट होने लग गया, तब तक इसको हम चलाते ही रहेंगे।
इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे दूध। अब हम इसको ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। और इसमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। जब तक कि अच्छे से ये दूध जल ना जाए, जब तक इसको मिक्स करते रहना है, और दूध इसमें जलाना ही है तभी बनेगा आपका ये खोया। देखिए इसको जलने लग गया, ठीक ठीक हो गया। ऐसे ठीक ठीक होते थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा। हार्ड मीन्स हार्ड तो नहीं, पर हाँ ये जब जल जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर इसी में ही मैंने जो बनाया था कोकोनट और गुड़ मिला के उसको इसी में मिक्स कर दूँगा। अलग अलग होने लग गया, यानी कि खोया बस बन नहीं पाता है, बन ही गया समझ। हार्ड हो जाता है क्योंकि इसमें गुड़ पड़ा हुआ है ना। इसलिए इसको इसी में मिक्स कर दिया। तो अभी फाइनली सॉफ्ट होने लग गया। अभी इसको हम पलट देंगे एक ट्रे में, ठीक है, और उसमें फिर इसको हम 2 घंटे के लिए जमाने के लिए रख देंगे। और इसका भी मैं जब इसको पलटूंगी ना, यानी कि ट्रे में, तो आप देखिएगा। अब इसको जब तक कि मैं इसको बेस कर लेती हूँ घी से, उसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है मैंने। ये ग्रीस करके तो मैंने रख दिया है और मम्मी की हेल्प ले रही हूँ मैं इसको। वो सब बहुत देर से चला रही है। अब मैं इसको अच्छे से इक्वल कर दूंगी। अब इसको इक्वल ही कर दूंगी सब। फाइनली हम इसको अब हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसको कट करके बर्फी आपको दिखाते हैं कैसी लगती है। यार मैं ना ये भूल गई थी डालना, तो अभी ना मैं क्या करूँगी ना, अभी मैं इसे चिपका दूँगी। अभी घी है ऊपर ऊपर। नट्स डल रहे हैं इसके अंदर, मगज़, काजू, सनफ्लावर सीड्स। चलो इसको दबाना भी तो पड़ेगा थोड़ा सा। अभी दबा रहे हैं। तो ये बनी है हमारी गुड़ और गोले की बर्फियाँ। अच्छा थोड़े गरम गरम में डालते थे ज्यादा अच्छा रहता है ना। चलो कोई बात नहीं यार, भूल ही जाते हैं, काम करते वक्त हो जाता है, डजंट मैटर। होप्स अगर नहीं भी पड़ा तो कोई बात नहीं, रमा दिए इन्होंने तो। अरे ऑयल सा आ गया है, रस निकल रहा है। ऑयल है, घी है, ये ऑयल। अच्छा घी डाला था, मरखड़ी भैंस का घी। ये लो बड़े बड़े तो पीस में ऐसे ही डाल देती हूं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, इसकी गार्निशिंग सी हो गई, कितनी बेहतरीन लग रहा है। देखो आप लोग, बढ़िया। आप लोग मत स्किप कर देना मेरी तरह, कभी आप लोग बनाओ, मेरे से तो हो गया। तो कोई बात, चले ठीक है, अब ये हो गया, अब मैं रख देते हैं इसको। तो बन गई अपनी बर्फी, जब ठंडी हो जाएगी तो खा के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। लो भाई फाइनली अपनी बन गई है बर्फियाँ, जैसे की आप देख रहे हो बेहतरीन लग रही है यार ये तो। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये वाला खाओ, इस पे ज्यादा लगा हुआ है।
देखिए फाइनली हमारी बनके तैयार हो चुकी हूँ और इधर मैंने पीसेस निकाल रही हूँ। अगर आप लोगों को ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो और इसमें कोई कमी और पेशी रह गई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।